हेलो बच्चों अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने लाइन और एंगल चैप्टर से लिया हूँ और ये आर डी शर्मा आर डी शर्मा बुक से लिया हूँ न सी द क्वेश्चन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ फोर इंस टू फाइव फाइंड द एंगल्स तो पहला चीज़ यहाँ पे है कि वाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब किसी भी दो एंगल्स का सम कितना होगा वन डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स तो ये यहां पे क्या बोल रहा है कि उसका जो दो एंगल्स का जो रेशियो दिया है कितना दिया है फोर uh, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि लेट द एंगल्स बी लेट द मेजर एंगल्स बी फोर एक्स एंड फाइव एक्स अब ना क्या बोले कि दिस टू दिस टू एंगल्स हर सप्लीमेंट्री मीन्स कि फोर एक्स प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू हमच वन एट्टी डिग्री अब क्या करेंगे इससे हम एक्स का वैल्यू इक्वेट करेंगे तो फोर एक्स और फाइव एक्स कितना हो गया नाइन एक्स इज इक्वल टू तो वन एट्टी डिग्री ना एक्स इक्वल टू तो हम मच वन एट्टी डिग्री और डिवाइडेड बाई नाइन दैट इज नाइन टू जै एटीन मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया ट्वेंटी डिग्री ना द मेजर ऑफ इच एंगल इज इक्वल टू दैट इज़ फोर एक्स इक्वल टू हाउ मच फोर इंटू ट्वेंटी दैट मीन्स 80 डिग्री फिर फाइव एक्स इक्वल टू कितना हो गया फाइव इंटू ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री सो दीज आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स एंगल्स So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.